हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम कुछ इस तरह का पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, इस तरह का पोस्टर बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल ऐप। इसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। अगर जो आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों इस वीडियो के नीचे। आइए दोस्तों, देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ से हमने ये बैकग्राउंड बना करके रखा हुआ है, ये हम ले लेंगे। सही किचन पे क्लिक करेंगे, हमारा ये बैकग्राउंड आ जाएगा। हम इस न्यू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इस ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर इस डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसे डिलीट कर देंगे। दोस्तों, फिर से हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। दोस्तों, जो भी मैं मटेरियल यूज करूँगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से ये वाला पीएनजी ले लेंगे और सही किचन पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से। और फिर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे और इस साइडो के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे और इसे ब्लर रेडियस को हम 0 कर देंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से। सही किचन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से। फिर से हम दोस्तों प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से हम इस झंडे की पीएनजी ले लेंगे और सही किचन पे क्लिक करेंगे, ये तिरंगा झंडा है। यहाँ से हम इसे कुछ इस तरह से छोटा कर लेंगे और यहाँ पे ला करके कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से। और फिर हम इस वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, यहाँ से हम टू बैक के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ये बैकग्राउंड में चला जाएगा झंडा। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से। फिर से हम इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से हम ये वाली पीएनजी ले लेंगे और सही किचन पे क्लिक करेंगे और इसे हम कुछ इस तरह से छोटा कर लेंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे और इस तरह से स्क्रॉल करेंगे। हम इस कलर के ऑप्शन पे जाएंगे, इसे इनेबल करेंगे और इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, ये वाला कलर हम लगा देंगे और सही किचन पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा पोस्टर बनके तैयार हो चुका है। फिर हम इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से हम ये वाली पीएनजी ले लेंगे जो कि कुछ इस तरह से है, सही किचन पे क्लिक करेंगे और इसे कुछ इस तरह से छोटा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। फिर से हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से हम ये वाली पीएनजी ले लेंगे और सही किचन पर क्लिक करेंगे और इस पीएनजी के ऊपर क्लिक करके हम इसे कुछ इस तरह से छोटा कर लेंगे और यहाँ पे ला करके एडजस्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से यहाँ पे। फिर से हम इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से हम ये वाली पीएनजी ले लेंगे और सही किचन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से। दोस्तों, हम फिर से इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से हमने पीएनजी बना करके रखी है, वो हम ले लेंगे। इस तरह से स्क्रॉल करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये पीएनजी बना करके रखी हुई है, उस पीएनजी के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी पीएनजी आ जाएगी। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारी पीएनजी है। हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे कुछ इस तरह से बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे ला करके कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, फिर हम इस वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे, इस रिलेटिव के पोजीशन के ऑप्शन पर चले जाएंगे। इस तरह से इस पर क्लिक कर देंगे, इस वाले ऑप्शन पर, ये हमारा इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। सही किचन पर क्लिक करेंगे और इसे कुछ इस तरह से हम नीचे कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, हमारा पोस्टर बनके तैयार हो चुका है। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।